सो गाइस प्रो कबड्डी सीजन 9 में कुल 41 मैचेस कंप्लीट हो चुके और टॉप 10 डिफेंडर्स के साम हमारे सामने आ चुके हैं। इस वीडियो में आपको टॉप 10 डिफेंडर्स बताने वाला हूं 41 मैचेस के बाद में। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। स्टार्ट करते एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। यहाँ पे आपको टॉप 10 डिफेंडर्स जानने को मिलेगा, साथ ही मैं आपको टैकल पॉइंट्स भी बताने वाला हूँ। स्टार्ट करते नंबर 10 से फिर नंबर 1 तक जाएंगे। स्टार्ट करें नंबर 10 पे, तो नंबर 10 में नाम निकल के आता है दबंग दिल्ली के विशाल लाथर का। 7 मैचेस में 18 टैकल पॉइंट्स है विशाल लाथर के नाम, तो मतलब बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं। एक चीज़ है, 2.5 टैकल पॉइंट पर मैच का एवरेज है विशाल लाथर के नाम। बहुत ही अच्छे लेफ्ट कवर है और दबंग दिल्ली के लिए भी अच्छा खेल रहे हैं। नंबर 9 पे यहाँ पे आते हैं पटना पायरेट्स के सुनील नरवाल। 7 मैचेस में 19 टैकल पॉइंट्स यहाँ पे है, 2.7 टैकल पॉइंट पर मैच का एवरेज है। राइट कॉर्नर बेसिकली खेलते हैं पटना के लिए और इस सीज़न पटना के लिए नंबर 1 डिफेंडर अभी फिलहाल सुनील नरवाल ही है। अभी तक इन्होंने अच्छा डिफेंस किया है। आगे बढ़े नंबर 8 पे, नाम निकल के आता है यूपी योद्धास के राइट कवर आशु सिंह का। 6 मैचेस में 20 टैकल पॉइंट से आशु सिंह के नाम, बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। 3.3 टैकल पॉइंट पर मैच का एवरेज है और बेसिकली अभी राइट कवर खेल रहे हैं। बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं हम सबको आशु सिंह से। आशु सिंह ने अभी यूपी के लिए बहुत ही शानदार डिफेंस किया है। नंबर 7 पे यू मुंबा के कैप्टन सुरेंद्र सिंह का नाम आता है। 7 मैचेस में 21 टैकल पॉइंट्स यानी 3 टैकल पॉइंट पर मैच का एवरेज है सुरेंद्र सिंह के नाम और बहुत ही जबरदस्त कवर। इस सीजन बहुत ही अच्छे फॉर्म में सुरेंद्र सिंह और कैप्टनसी भी बढ़िया कर रहे हैं। गाइस बड़े आगे नंबर 6 पे, तो नंबर 6 पे नाम निकल के आता है हरियाणा स्टीलर्स के स्टार डिफेंडर जयदीप दाहिया का। 7 मैचेस में 21 टैकल पॉइंट जयदीप दाहिया के नाम भी है और 3 टैकल पॉइंट पर मैच का एवरेज है। जयदीप इस सीजन में बहुत ही जबरदस्त खेल रहे हैं हरियाणा स्टीलर्स के लिए और लेफ्ट कवर में बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अब गाइस बड़े नंबर पांच में नाम निकल के आता है यहाँ पे बेंगलुरु बुल्स के सौरभ नांदल का। 7 मैचेस में 22 टैकल पॉइंट है सौरभ नांदल के नाम यानी 3.1 टैकल पॉइंट पर मैच का एवरेज है। नांदल का लास्ट सीजन भी कमाल का था और अभी भी बहुत अच्छा खेल रहे इस सीजन बेंगलुरु बुल्स के लिए। अब गाइस बड़े आगे नंबर चार पे यहाँ पे नाम निकल के आता है दबंग दिल्ली के कृष्ण धूल का, जो राइट कॉर्नर खेलते हैं और इस सीजन अच्छा खेल रहे हैं। 7 मैचेस में 23 यानी 23 टैकल पॉइंट से यहाँ पे 3.2 टैकल पॉइंट पर मैच का एवरेज है कृष्ण धूल का। बहुत ज़्यादा उम्मीद है, इस सीजन बहुत ज़बरदस्त खेल रहा है ये प्लेयर और उम्मीद है कि इस सीजन बहुत ज़्यादा अच्छा करेंगे आने वाले मुकाबलों में। नंबर 3 पे जयपुर पिंक पैंथर्स के अंकुश राठी का नाम आता है, लेफ्ट कॉर्नर जो खेल रहे हैं। 7 मैचेस में 23 टैकल पॉइंट्स इनके भी नाम है यानी 3.2 टैकल पॉइंट पर मैच का एवरेज है अंकुश राठी के नाम। अब बहुत ही ज़बरदस्त खेल रहे हैं, इससे एक और अच्छा यंगस्टर देखने को मिला है हमें जयपुर की ओर से। नंबर 2 पे नाम निकल के आता है जयपुर पिंक पैंथर्स के कप्तान सुनील कुमार मलिक का। 7 मैचेस में 25 टैकल पॉइंट्स यहाँ पे इनके नाम है, बहुत अच्छा खेल रहे। 3.5 टैकल पॉइंट पर मैच का एवरेज है सुनील। इस सीजन बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रहे, कैप्टनसी तो बहुत कमाल का कर ही रहे और परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है सुनील का। नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे है बंगाल वॉरियर्स के एक और स्टार डिफेंडर गिरीश मारुति एर्नेक। 7 मैचेस में 29 यानी 29 टैकल पॉइंट्स इनके नाम है, 4.1 टैकल पॉइंट पर मैच का एवरेज है इनका और बहुत ज़्यादा शानदार फॉर्म में लग रहे हैं गिरीश एर्नेक और इस सीजन बहुत ही ज़्यादा कमाल का परफॉर्मेंस करके दिखा रहे गिरीश एर्नेक बंगाल वॉरियर्स के लिए। तो ये यहाँ पे टॉप 10 डिफेंडर्स है 41 मैचेस के बाद। आपके हिसाब से कौन से डिफेंडर नंबर 1 पे फिनिश कर सकते हैं प्रो कबड्डी एंड होने के बाद और आपके कौन से फेवरेट डिफेंडर है इसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो लेटेस्ट कबड्डी अपडेट्स के लिए। और टेलीग्राम ग्रुप को फटाफट ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वहां पे आपको प्रो कबड्डी के हर एक अपडेट सबसे पहले देखने को मिलेंगे।